हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएं जो प्रेजेंट टाइम पे जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट ने कवर किया हो, जिस डिस्ट्रिक्ट को। कौन सी है? बारामूला, अनंतनाग, डोडा या कुपवारा? जल्दी से बताएं इनमें से क्या इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो है डोडा। कौन सी है? डोडा है, ठीक है। नेट के मुताबिक कौन सी आएगी? डोडा, ठीक है। बुक में कुपवारा दिया गया था, मगर राइट आंसर आपका डोडा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओनर ऑफ पैसेंजर बोट इन कश्मीर आर नाउन एज, ठीक है। जो भी ओनर्स होते हैं कश्मीर में, आप जाते हो तो देखते हो वहाँ पर जो बोट्स हैं, पैसेंजर बोट्स, उनके जो ओनर हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। जल्दी बताएं, उनको ऐसे हंस पुकारा जाता है। तो अगर पूरा नाम अगर बात करें तो किस पूरे नाम से पुकारा जाता है? डूंगा हंस, देव हंस, हाका या माता हंस? जल्दी से बताएं चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा। हंस तो कहते कहते उनको, मगर इन चारों में से कौन सा उनका सही पूरा नाम रहेगा, जल्दी से बताने की कोशिश करें। आई होप सबको पता होगा, इसका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो ए है, डूंगा हंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फेमस के हक्कू स्टेडियम, ठीक है, ये जे एंड के में ही है, और जे एंड के में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इनमें से पाया जाता है? के हक्कू स्टेडियम, ठीक है, कौन सी जगह में पाया जाता है? सांबा, रियासी, जम्मू या उधमपुर? जल्दी बताएं, ये स्टेडियम जम्मू कश्मीर की इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। तो अगर बात करें इसके सही आंसर की स्टूडेंट, वो है जम्मू। जम्मू इज द राइट आंसर, सी इसके लिए करेक्ट उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमर स्काइंग रिजॉर्ट इन जे एंड के? जल्दी बताएं कौन सा है, पहलगाम, गुलमार्ग, खिलान मार्ग या जंसगर? बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुलमार्ग, बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच अमंग द फॉलोइंग इज द होम ऑफ बार्किंग डियर एंड नीलगाय इन जम्मू? जल्दी बताएं, किस को इनमें से होम कहा जाता है, बार्किंग डियर का और नील गाय का इन जम्मू में? जल्दी बताएं, मानसर, जसरोटा, मांडा या किश्तवाड़? इस बुक के मुताबिक इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है मांडा। और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये क्वेश्चन, तो आपको आंसर मिलेगा कौन सी सेंचुरी में आता है, वो बताने की कोशिश करें मुझे। तो सेंचुरी है रामनगर। कौन सी सेंचुरी है? रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वैली विच अकाउंट फॉर 50% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इज? जल्दी बताएं इसमें से कौन सा होगा, पंपोर, उरी, सोपोर, कुपवारा? एक और आंसर यहाँ ले लें नन, ठीक है। तो इधर में से आपका जो आंसर वो नन रहेगा, ठीक है। इंटरनेट के मुताबिक ये चारों ऑप्शंस में अभी अपडेट पे देखा जाए तो ये नहीं है। तो जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है आपका बारामूला। क्या है? बारामूला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 77 की। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क? कौन सा इनमें से, रंगरथ, गंग्याल, करथोली, उधमपुर? जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर है। 77 का राइट आंसर क्या होगा? तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, तो सबको पता होगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा स्टूडेंट, आई होप सबने गेस कर लिया होगा इसका आंसर।
तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए सही आंसर रहेगा सी, करथोली इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही आंसर है वो है सी, करथोली इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिवर डैट ऑफर राफ्टिंग, ऐसा रिवर जो राफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है जम्मू डिवीज़न में, इनमें से जल्दी से बताएं, जंस्कर, चनाब, झेलम, सतलुज, कौन सा है जल्दी से बताएं। 78 का राइट आंसर, सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबने देखा होगा। इन सब में से मेन रिवर जो रहेगा वही इसका आंसर होगा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स पे। तो आपका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो है बी, चनाब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है? बैमिना, तुलामुला, कंगन या सिदरा, जल्दी से बताएं। 79 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बिफोर इट्स ओरिजिनल फॉर्म कश्मीर वैली वाज अ लेक कॉल्ड, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म से पहले जो कश्मीर वैली थी वो एक लेक की फॉर्म में थी, और उस लेक को क्या कहते थे? कश्यप मार, ठीक है, तिथिस, सतिसार या महापद्मा, जल्दी से बताएं। 80 का राइट आंसर। तो कश्मीर एक फेमस लेक थी पहले, उसका नाम था सतिसार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है सी, सतिसार इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लो लाइंग वैली, ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे कि इनमें से कौन सी जो है वो लो लाइंग वैली नहीं है, पुंछ वैली, लीडार वैली, तवी या फिर कश्मीर वैली, जल्दी से बताएं। 81 का सही आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, कश्मीर वैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ड बाय किंग ललितादित्य द ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर इज, सब जानते हैं कि ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने सन टेम्पल बनाया था, ठीक है, मार्तंड सन टेम्पल। अब बात कर रहे हैं ओल्डेस्ट कैनाल की, ओल्डेस्ट कैनाल जो उसने बिल्ड की थी वो कौन सी है? नूर, मार्तंड, संबल या ललकुल, जल्दी से बताएं। 82 का क्या सही आंसर होगा? सॉरी, क्वेश्चन गलत है, ये ओल्डेस्ट कैनाल नहीं होगा, ओल्डेस्ट टेम्पल कह सकते हो आप, ठीक है, या वहाँ कैनाल हो सकती है वो रहेगा। तो इसका जो आंसर उसके मुताबिक रहेगा ना वो है बी, मार्तंड, ठीक है, आंसर क्या रहेगा? मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू इन जे एंड के, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में, इन तीनों में से, झेलम वैली रोड, श्रीनगर कुलगाम रोड या श्रीनगर लद्दाख रोड, कौन सी है जल्दी से कमेंट करें। आई होप सबने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर जो रहेगा स्टूडेंट इसका वह ए, झेलम वैली रोड इज द दैट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मुगल गार्डन इन जे एंड के, निशात, नसीम, बागे बहु, शालीमार, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बागे बहु, ठीक है, बागे बहु इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सफर्ड अ मेजर लॉस टू इट्स एरिया टू पाकिस्तान इन 1971, कौन से डिस्ट्रिक्ट का मेजर एरिया पाकिस्तान के अंदर चला गया था 1971 के वार में? जम्मू, उधमपुर, बारामूला, पुंछ, जल्दी से बताएं। 85 का राइट आंसर। तो 85 का राइट आंसर जो रहेगा स्टूडेंट वो है डी, पुंछ इज द राइट आंसर। पुंछ डिस्ट्रिक्ट का मैक्सिमम एरिया जो था, मेजर एरिया पाकिस्तान ने छीन लिया था 1971 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डचगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द फॉलोइंग एनिमल, ठीक है, कुछ एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और कौन से एनिमल के लिए वो फेमस है? हैंगुल या वर्न, हॉर्न, राइनोसोर्स या फिर औरंगतूर, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताएं।
इन दोनों में से एक कौन सा इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करिए। तो सबको पता होगा ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हैंगुल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ड बाय किंग ललितादित्य द ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर इज, सॉरी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ वुलर, किसको कहते हैं जल्दी से बताएं, द पोर्ट ऑफ वुलर किसको कहते हैं, गांदरबल, बारामूला, बड़गाम या बांडीपुरा, जल्दी से बताएं। 88 के लिए राइट आंसर क्या होगा, तो वो डी है, बांडीपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ वुलर, सॉरी क्वेश्चन फिर से रिपीट है, नेक्स्ट भी चलते। इन विच ईयर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश इन जे एंड के, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जे एंड के में कब एस्टेब्लिश हुई, 1987, 1985, 1990 या 1995, तो राइट आंसर रहेगा सी, 1919 इज द राइट आंसर। इन जे एंड के बराल आर ब्लू शिप इज फाउंड इन, कहां पाई जाती है, पुंछ, बसोली, डोडा या लद्दाख, तो राइट आंसर इज लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 92 इज नाउन एज मलिक नाग इन जे एंड के, किसको कहते हैं जल्दी से बताएं, मलिक नाग जम्मू कश्मीर में, मलिक नाग किसको कहते हैं जे एंड के में, किंग ऑफ राइस, सल्फर स्प्रिंग, और ट्रिब्यूटरी ऑफ जेलम या ग्लेशियो फ्लेवियल लेक, जल्दी से बताएं। 92 के लिए राइट आंसर तो बी है, सल्फर स्प्रिंग इज नाउन फॉर दिस मलिक नाग, ठीक है, इन जे एंड के। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन जे एंड के जल्दी से बताएं, सबको पता होगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बताएं, 94 का, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन जे एंड के, रियासी, सांबा, रामबन या अलाहाबाद, जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा। तो ये सारी की सारी नई बनी हुई डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर डिवीजन, जल्दी से बताएं, वो तो जम्मू की थी, कश्मीर की कौन सी है, बांडीपुरा, कुलगाम, शोपियां या ऑल ऑफ द अबो। 95 के लिए भी डी रहेगा, सारी की सारी कुलगाम, बांडीपुरा और शोपियां, कुलगाम, बांडीपुरा और शोपियां तीनों की तीनों नई बनी डिस्ट्रिक्ट है, पहले नहीं बनी थी, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, द जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन शेल हैव द हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जम्मू, काजीकुंड, रियासी और सांबा, बताएं 96 के लिए राइट आंसर क्या होगा। रेलवे लाइन का सबसे बड़ा ब्रिज जो बनने जा रहा है, ठीक है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट रियासी पे, रियासी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द न्यूली क्रिएटेड 8 डिस्ट्रिक्ट इन जे एंड के वर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन, कब बनी है न्यूली क्रिएटेड 8 डिस्ट्रिक्ट, जो नई नई 8 डिस्ट्रिक्ट बनी है ना, ये जे एंड के में 8 डिस्ट्रिक्ट बनी थी, वो कब बनाई गई थी जल्दी से बताएं, मार्च 2004, जैन 2005, जुलाई 2006 या दिसंबर 2007। तो आंसर रहेगा सी, जुलाई 2006 में ये बनी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट विलेज इन जे एंड के, जल्दी से बताएं, इनमें से पलोड़ा, नगरोटा, आरएसपुरा या अरनिया। तो 98 के लिए डी आंसर रहेगा करेक्ट, अरनिया विलेज इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट विलेज है इन जे एंड के एरिया वाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99, इन जे एंड के द हाइएस्ट रेनफॉल इज मेयर्ड इन, ठीक है, कहाँ पर है सबसे ज़्यादा बारिशें होती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, किस एरिया में, वुलर, बारामूला, अगर अगार जी तो रियासी, बिलावर, कठुआ या रामनगर, उधमपुर, जल्दी से बताएं क्या रहेगा इसके आंसर सही। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है डी, रामनगर, उधमपुर इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इन कुपवारा डिस्ट्रिक्ट मार्बल डिपॉजिट अकर एट विच प्लेस, कुपवारा में मार्बल डिपॉजिट जो है वो कौन से प्लेस में है, मचेल, केरन, दुर्गमुल्ला या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपके पास सी, दुर्गमुल्ला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।